एक दौर ऐसा भी था जब हिंदी फिल्मों के नायक यानी हीरो को बतौर अभिनेता होने के साथ साथ एक विशेष व्यक्तित्व का मालिक भी होना पड़ता था। जरा भी अलग या कम दिखने वाले किसी अभिनेता को कोई फिल्मकार अगर एक मौका दे भी देता था तो दर्शक उसे बतौर हीरो स्वीकार नहीं कर पाते थे। ऐसे में वो एक्टर चरित्र या हास्य भूमिकाओं को अपना लेते थे या नकारात्मक किरदारों तक ही सिमट कर रह जाते थे। दक्षिण से आए ढेरों ऐसे अभिनेताओं का उदाहरण आपको मिल जाएगा जो वहाँ के सुपर स्टार होने के बावजूद हिंदी फिल्मों में सफल ना हो सके। अलग व्यक्तित्व वाले कई मजे हुए हिंदी फिल्मों के अभिनेता भी नायक बनने की ऐसी नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वे भी नायक की बजाय खलनायक यानी नकारात्मक किरदारों में ही ज्यादा सफल हुए। ऐसे ही एक दमदार अभिनेता हैं जिनको उनकी सकारात्मक भूमिकाओं से कहीं ज्यादा उनकी नकारात्मक भूमिकाओं के लिए याद किया जाता है, और उस अभिनेता का नाम है मिलिंद गुना जी, जिन्होंने 90 के दशक से लेकर आज तक हर किरदार में अपने सधे हुए अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी, स्वागत है आपका नारद टीवी पर। मिलिंद गुना जी का जन्म 23 जुलाई 1961 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। मिलिंद के पिताजी कर्नाटक के बेलगाम से थे और माँ गोवा की रहने वाली थी। बाद में मिलिंद के माता पिता महाराष्ट्र से गोवा शिफ्ट हो गए, जहाँ मिलिंद का काफी वक्त बीता। गोवा में कुछ वर्ष गुजारने के बाद उनके माता पिता मुंबई आ गए। बेलगाम, गोवा और मुंबई की संस्कृति में पले बढ़े मिलिंद पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी होनहार थे। दोस्तों, बहुत से लोगों को यह पता नहीं होगा कि मिलिंद पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर भी रह चुके हैं, फिर भी वो एक्टिंग की फील्ड में कैसे आ गए यह कहानी भी बहुत दिलचस्प है। मिलिंद क्रिकेट और बैडमिंटन के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से उनका स्पोर्ट्स करियर खत्म हो गया, वरना शायद वो खेल जगत में ही अपना करियर बनाते। बहरहाल, उनकी अच्छी पर्सनालिटी को देखते हुए दोस्तों ने उन्हें मॉडलिंग की सलाह दी तो उन्हें लगा कि कोशिश करते हैं। इसके लिए उनके घर से भी उन्हें इजाजत मिल गई। इस काम के लिए मिलिंद को खास संघर्ष नहीं करना पड़ा। उन्होंने मुंबई के मशहूर फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष से अपनी कुछ फोटोज खिंचवाई और संघर्ष शुरू किया। इसे उनकी किस्मत कहिए या उनके व्यक्तित्व का जादू कि दो दिन बाद ही उन्हें डीजीएम शूटिंग के विज्ञापन का प्रस्ताव आ गया। उसके पहले इस विज्ञापन के मॉडल शेखर कपूर हुआ करते थे, वही शेखर कपूर जो मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं। बहरहाल, तकरीबन 5 साल तक मिलिंद डीजीएम शूटिंग के एक्सक्लूसिव ब्रांड एम्बेसडर रहे, साथ ही कुछ अन्य विज्ञापनों में भी नजर आए। विज्ञापन में मिलिंद को देखकर निर्देशक गोविंद निहलानी जी ने उन्हें अपनी फिल्म द्रोहकाल के लिए प्रस्ताव दिया। उन्होंने मिलिंद से कहा कि इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जैसे कलाकार हैं, जिनके साथ तुम्हारे लिए भी एक रोल है। मिलिंद ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि उन्होंने पहले कभी एक्टिंग नहीं की है, तो गोविंद निहलानी जी ने उन्हें अभिनय सीखने के लिए रंगमंच के दिग्गज कलाकार और गुरु सत्यदेव दुबे के पास भेज दिया और साथ ही खुद भी ट्रेनिंग देने लगे। इसी बीच मिलिंद को एक और फिल्म मिली जिसका नाम था पपीहा, और साथ ही कुछ मराठी धारावाहिकों में काम की बात हुई। वर्ष 1993 में मिलिंद गुना जी की यह फिल्म पहले प्रदर्शित हुई और द्रोहकाल वर्ष 1994 में। द्रोहकाल के बाद मिलिंद को दो और फिल्में मिली, कुरुक्षेत्र और फरेब। वर्ष 1996 में प्रदर्शित फिल्म फरेब में मिलिंद की एक्टिंग हर किसी को बहुत पसंद आई। इस फिल्म में वो एक नकारात्मक भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट निगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर की ओर से नॉमिनेशन भी मिला। इस फिल्म के बाद तो फिर कभी मिलिंद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म के बाद मिलिंद एक से बढ़कर एक फिल्मों का न सिर्फ हिस्सा बने बल्कि हर फिल्म में उन्होंने अपने अभिनय की छाप भी छोड़ी। फिर चाहे वो जया बच्चन की फिल्म 1084 की माँ हो, चाहे अनिल कपूर की विरासत या गोविंदा की जिस देश में गंगा रहता है, हर फिल्म में मिलिंद के कामों को दर्शकों के साथ साथ आलोचकों की भी सराहना मिली। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि वर्ष 1997 में प्रदर्शित फिल्म विरासत के लिए भी मिलिंद को बेस्ट विलेन के लिए फिल्म फेयर की ओर से नॉमिनेट किया गया था। वो फिल्म जिसमें उन्हें सबसे अधिक नोटिस किया गया वह थी वर्ष 2002 में प्रदर्शित संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास। इस फिल्म में काली बाबू के छोटे से रोल में भी उन्हें दर्शक कभी भूल न सके। तमाम नकारात्मक भूमिकाओं में अपनी एक अलग पहचान बनाने के साथ साथ मिलिंद हेरा फेरी और खट्टा मीठा जैसी कॉमेडी फिल्मों में भी नजर आए। दोस्तों, मिलिंद गुना जी ने अपने करियर में लगभग हर तरह की भूमिकाएं निभाई हैं, चाहे वो गंभीर भूमिका हो या कॉमेडी हो या फिर नकारात्मक। जोर, जुल्मी, गॉड मदर, आन, येलोसी कारगिल, द गाजी अटैक, ऑक्सीजन, रेस 3 और पानीपत आदि ढेरों फिल्मों के अलावा वे सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में भी नजर आए। दोस्तों, मिलिंद अब तक 250 के करीब फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें हिंदी के साथ साथ मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी सहित
देश की लगभग सभी भाषाओं की फिल्में शामिल हैं। फिल्मों के अलावा मिलिंद ढेरों टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं। ब्योमकेश बख्शी, वीर शिवाजी, हमने ली है शपथ और सीआईडी जैसी कई हिंदी और मराठी धारावाहिकों के साथ साथ वर्ष 2006 में प्रदर्शित धारावाहिक धरती के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान में वो एक दमदार भूमिका में नजर आए। दोस्तों, मिलिंद का अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसके तहत समय समय पर वे टेलीविजन के लिए विभिन्न शोज बनाते रहते हैं। मिलिंद ने मराठी भाषा में बने कई सफल यात्रा गाइड शो के लिए बतौर सूत्रधार भी काम किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ब्रांड एम्बेसडर होना भी मिलिंद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मिलिंद को हिल स्टेशन महाबलेश्वर का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों, मिलिंद गुनाजी एक अभिनेता, मॉडल, टेलीविजन शो के होस्ट के साथ साथ एक लेखक के रूप में भी सक्रिय हैं। वर्ष 1998 में वे मराठी पत्र लोकप्रभा के लिए एक साप्ताहिक कॉलम लिखा करते थे। मराठी भाषा में अनवट नाम से उनकी लिखी एक किताब भी आ चुकी है जिसमें महाराष्ट्र और गोवा के सुदूर क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। मिलिंद के पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी रानी गुनाजी एक मराठी अभिनेत्री व सूत्रधार हैं। मिलिंद और रानी के एक बेटे हैं जिनका नाम अभिषेक गुनाजी है। अभिषेक को भी अभिनय और निर्देशन में रुचि है और वो इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही रोचक वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें नारद टीवी के साथ। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।